धार जिले के राजगढ़ थाने पर एक युवती की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। करीब दो महीने बाद युवती के परिजनों ने युवती को प्रदीप डामो नामक युवक के साथ इंदौर से पकड़कर पुलिस थाना राजगढ़ पर सुपुत्र कर दिया, जिसके पश्चात युवती को परिजनों के सुपुत्र का युवक को पुलिस कस्टडी में रखा गया था। किंतु अगले ही दिन सुबह युवक प्रदीप का शव थाना कार्यालय से करीब 100 मीटर दूर नीम के पेड़ से लटका मिला। इस मामले में मृतक प्रदीप के परिजनों ने पुलिस थाना राजगढ़ परिसर के सामने प्रदीप का शव रखकर एसआई लोकेश सिंह भदौरिया और एएसआई वासना चौहान पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने एएसआई वासना चौहान सहित 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। किंतु एसआई लोकेश सिंह भदौरिया पर कोई कार्रवाई नहीं की। तब पत्रकार शैलेंद्र पवार द्वारा पूरे घटनाक्रम के साथ एसपी आदित्य प्रताप सिंह की कार्यप्रणाली संदेहास्पद बताने की खबर प्रसारित की गई थी। इसी से बौखलाए एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने एसडीओपी ऐश्वर्य शास्त्री और एसआई लोकेश सिंह भदौरिया के साथ मिलकर पत्रकार शैलेंद्र पवार को झूठे प्रकरणों में फंसाने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। कुछ लोगों द्वारा शैलेंद्र पवार को अपनी फेसबुक आईडी से खबर हटाने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है, जिससे पत्रकार शैलेंद्र पवार और उनके परिजन मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर पुलिस से बहुत भयभीत हैं, जिससे क्षेत्र के समस्त पत्रकारों में रोष व्याप्त है कि जब क्षेत्र के निष्पक्ष और साहसी पत्रकार के साथ पुलिस इस प्रकार का व्यवहार कर रही है तो इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में पुलिस जनता को न्याय दिला पाने में कहाँ तक सफल रह पाती है। सरदारपुर क्षेत्र के समस्त पत्रकारगणों द्वारा यहाँ आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि जो शैलेंद्र पवार पत्रकार हैं उनके विरुद्ध जो झूठे षडयंत्र या झूठे आरोपों में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जा रहा है, उसके निष्पक्ष जांच के लिए प्रकरण प्राप्त हुआ है। जिस जिन जिनको ये कॉपियाँ आप लोगों ने मार्क करके दी हैं, ये विधिवत उनको प्रेषित कर दी जाएंगी और जो भी वस्तुस्थिति होगी उसके अनुसार ही जाँच की जाकर विधि अनुसार कार्रवाई। आपका नाम और पता? मैं सरदारपुर। ठीक, थैंक यू।